संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण बिरसा आबा की धरती झारखंड धार्मिक स्थलों और पर्यटन के क्षेत्र में भी उतनी ही संपन्न है। इस संपन्नता और सुंदरता की झलक देखनी हो तो सावन भादो के महीने में चले आइए संताल परगना। यहाँ रिमझिम फुहारों में उमड़ता श्रद्धालुओं का रेला देखकर हर किसी का मन भक्ति भाव से तर हो जाता है। झारखंड के संताल परगना क्षेत्र में दुमका स्थित बासुकीनाथ मंदिर के आसपास का पूरा इलाका इन दिनों शिव की अगाध भक्ति में सराबोर होता है। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम की गिनती बिहार और झारखंड ही नहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख शैव स्थल के रूप में होती है। माना जाता है कि दुमका नाम की उत्पत्ति दारुक वन से हुई है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस इलाके पर दारुक नाम का राक्षस शासन करता था और उसी के नाम पर यह क्षेत्र दारुक वन कहलाता था। एक बार बासु नाम का एक व्यक्ति कंद की खोज में जमीन खोद रहा था तो अचानक उसका औजार भूमि में दबे शिवलिंग से टकरा गया और वहां से दूध की धारा बह निकली और फिर बासु ने एक आकाशवाणी सुनी कि ये मेरा निवास स्थान है, तुम पूजा करो। तब बासु ने ही इस शिवलिंग की पूजा शुरू की जो आज तक चल रही है। बासु के नाम पर इस तीर्थ को बासुकीनाथ धाम कहा गया। आज यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का विशाल मंदिर है जहाँ शक्ति और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। झारखंड की धरती पर कदम रखते ही दूर से ही दिखाई देने लगता है वो ध्वज जो वर्षों से भगवान बासुकीनाथ का यशगान करता आ रहा है, जिसे देखकर शिव की शक्ति का एहसास होता है। मुख्य मंदिर के नजदीक शिवगंगा सरोवर है जहां भक्त स्नान कर अपने आराध्य की उपासना करते हैं और अपने कष्ट क्लेश दूर करने की कामना करते हैं। यूं तो सालों भर बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन सावन भादो की रौनक अलग होती है। सावन में श्रावणी मेला लगता है और आस्था का सैलाब यहां उमड़ता है। एक भोर से बासुकीनाथ धाम में बोल बम और हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगती है। दूर दराज से पहुंचे शिव भक्तों की टोली शिव गंगा में स्नान के लिए निकल पड़ती है। धर्म में भक्ति और त्याग का बड़ा गहरा नाता होता है। दूर दराज से अनेक कष्ट सहते हुए लाखों भक्त महादेव की कृपा पाने यहां पहुंचते हैं। केसरिया रंग से पटा बासुकीनाथ मेला परिसर की चहल पहल भव्य और अलौकिक छटा देखते ही बनती है जो देवाधिदेव की महिमा का बखान करता है। कहते हैं सच्चे दिल से भक्तों की सेवा और समर्पण भी किसी आराधना से कम नहीं।
अपनी जिम्मेदारियों से कहीं आगे बढ़कर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए झारखंड सरकार की तरफ से बेहतर व्यवस्था की जाती है। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हर वर्ष जो है यहाँ पे श्रद्धालु, तीर्थयात्री और टूरिस्ट आते हैं जो इस धाम की यात्रा करते हैं। पिछले वर्ष तकरीबन 22 लाख से ज़्यादा लोग आए थे और इस बार भी शुरुआत के दो दिनों में ही तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों ने बासुकीनाथ धाम की यात्रा की है। इसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों में पूरी ताकत झोंक देता है। साफ सफाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य समेत हर स्तर पर इंतजाम किए जाते हैं। श्रद्धालुओं को होने वाली हर छोटी बड़ी परेशानी पर जिला प्रशासन की नजर होती है। कांवड़ियों के रात्रि विश्राम के साथ ठहरने की वीआईपी व्यवस्था होती है। श्रावणी मेला के दौरान भक्तों की अथाह भीड़ को देखते हुए यहां 500 लोगों के आवासन के लिए टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। शिवगंगा में 24 घंटे एनडीआरएफ की टीम डटी होती है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा मुख्य प्रदर्शनी शिविर एवं मीडिया सेंटर बनाया गया है। यहां आकर भक्तगण किसी भी तरह की सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए फ्री वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। श्रद्धालुओं की सेवा में 2400 घंटे सातों दिन मेडिकल टीम काम कर रही है। शिव भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खोया पाया केंद्र स्थापित किया गया है जो बिछड़ों को मिलाने का काम करता है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 TOP बनाए गए हैं। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। विभिन्न स्थानों पर 100 से ज्यादा CCTV कैमरे से असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। भक्तों की भावना का सम्मान करते हुए साफ सफाई की भी बेहतर व्यवस्था की जाती है। व्यवस्था का अंदाजा सुरक्षा और सुविधाओं से नहीं, साज सज्जा से सहज ही लगाया जा सकता है। रंगीन रोशनी में नहा रहा पूरा कांवड़िया पथ श्रद्धालुओं के स्वागत में तैयार नजर आता है। दूर दराज से आए कांवड़िया यहां आकर अपनी थकान मिटा सकें, इसके लिए पर्यटन विभाग की तरफ से मयूराक्षी कला मंच सजाया गया है जहां संगीत से शिव की साधना की जा रही है। आम तौर पर ऐसे शक्तिपीठों में देवी देवताओं तक पहुंचने के लिए भारी जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन यहां सरकार और प्रशासन की सेवा भावना से बाबा बासुकीनाथ के दर्शन और पूजन बेहद सुलभ हो जाते हैं। मंदिर परिसर में उपासकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रवेश और निकास द्वार बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं को गर्भगृह में भी प्रवेश की अनुमति दी गई है। जो लोग लंबे समय तक कतार में खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए विकल्प के तौर पर जलार्पण काउंटर बनाया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं की संतुष्टि के लिए इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम में जो कांवड़िये जलाभिषेक करने पहुंचते हैं, वे नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात बासुकीनाथ मंदिर में जलाभिषेक करना नहीं भूलते। ऐसी मान्यता है कि यहां मांगी गई मुरादें जल्दी और जरूर पूरी होती हैं। इसलिए बासुकीनाथ धाम को फौजदारी दरबार भी कहा जाता है। बासुकीनाथ मंदिर में जलाभिषेक किए बगैर बाबा बैद्यनाथ धाम की पूजा अधूरी मानी जाती है। अन्य धामों से अलग बासुकीनाथ धाम में धरना देने की परंपरा है। धरना देकर सैकड़ों लोगों ने कष्टों से मुक्ति पाई है। इसका लिए कोई मांगने के लिए नहीं आते, शक्ति है, भोले बाबा के ऊपर भरोसा है। भोले बाबा से हमको जो हमारा काम कर्म रूटी बढ़िया से दे, फल देता, बाल बच्चा सुखी रहता है।
कोई तकलीफ नहीं आता, कोई भी संकट में पार हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में अतिथियों को देव माना गया है, ऐसे में देवनगरी आने वाले श्रद्धालुओं को भी सरकार देव स्वरूप मानती है और उन्हें हर संभव सुविधा देने के लिए कृत संकल्पित है। मैं बासुकीनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं कांवरियों को पुनः अपील करूंगा कि आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी आस्था के साथ बड़े ही उत्सव धर्मी वातावरण में आकर आप पूजा पाठ करें, यहाँ शिरकत करें, यहाँ की भजन संध्या का आनंद उठाएं, मयूराक्षी कला मंच के तहत किए जा रहे कार्यक्रमों का आनंद उठाएं और साफ सफाई का स्तर ऊंचा रखने में हम सबको सहयोग करें। और इसी विश्वास के साथ कि श्रावणी मेला बहुत ही उत्साह से, बहुत ही ऊर्जा के साथ, बहुत ही भक्तिमय वातावरण में संपादित किया जा रहा है और प्रत्येक दिन और भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवरिया आएंगे, जिला प्रशासन दुमका पूरी तरह से आपकी मेजबानी के लिए, आपकी अगवानी के लिए बिल्कुल तैयार है। सरकार और जिला प्रशासन के इस प्रयास से ही श्रावणी मेला सफल होता है। झमाझम बारिश में भी शिव भक्तों की कतार नहीं टूटती। इस बार श्रावणी मेले में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, ऐसा पुण्य संजोग बार बार नहीं आता है। आइए श्रावणी मेले में बाबा का दर्शन करें, पुण्य का लाभ लीजिए। कल्याण की कामना कर रहे भक्ति में लीन उपासकों के कंठ से महादेव का जयगान फूटता है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता चमोर भरी, अंतर मन से तुझे पुकारूं, हर हर महादेव हरे।